आप सभी का स्वागत है दोस्तों सर जी क्लासेस में। तो यहाँ पे देखिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से जो वैकेंसी निकल के आई थी जूनियर इंजीनियर की, तो जो इसका जो फॉर्म फिल करने का डेट है तो वो आपका स्टार्ट हो चुका है। और इसका नोटिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, बट जो फॉर्म फिल करने का डेट आपका है बेसिकली वो आज से स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग इसको फिल कर देना। तो फॉर्म फिल करने से पहले जितने भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है तो सबसे पहले आप वो देख लेना, तो उसी के रिगार्डिंग इसमें हम लोग वो सारा इम्पोर्टेंट डिटेल्स को देखेंगे इसमें हम लोग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका बेसिकली ये जो वैकेंसी है तो ये कनिष्ठ अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर जो कि आपका ये सीधी भर्ती होगा। तो इसमें देखिए जैसे कि यहाँ पे जो टोटल जो पोस्ट आपके बेसिकली है और कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है इसको फॉर्म फिल करने के लिए, तो वो चीज़ सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आपका विभाग का भी नाम दिया गया है और इसमें जो पद का नाम है बेसिकली कौन कौन से वो ब्रांच जैसे कि भर सकते हैं। तो इसमें देखिए जैसे डिग्री धारक जो आपका है बेसिकली यानी कि जो BE BTech जिन्होंने किया हुआ है तो उसमें से भी अलग है, और डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ है तो उनके लिए अलग है। तो यहाँ पे जो सिविल इंजीनियर है बेसिकली जो BE BTech जिन्होंने किया हुआ है तो उनके लिए देखिए यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है तो वो 276 पोस्ट है बेसिकली यहाँ पे। और इसमें से भी जो आपका सीट्स बटा हुआ है गैर अनुसूचित क्षेत्र में और अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी अलग अलग बटा हुआ है। और यहाँ पे देखिए जो डिप्लोमा वालों के लिए है जो बेसिकली सिविल सिविल ब्रांच से जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है तो उनके लिए अलग सीट है। तो टोटल यहाँ पे देखिए 69 है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए जो विद्युत इंजीनियर है मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो डिग्री धारक के लिए 29 है, और जो डिप्लोमा जिन्होंने किया वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो उनके लिए देखिए यहाँ पर 6 वैकेंसी है। तो ये आपका है सार्वजनिक निर्माण विभाग में। अब उसी तरीके से जो जल संसाधन विभाग आपका है तो इसमें देखिए जो डिग्री धारक हैं सिविल इंजीनियर में तो उनके लिए 149 है, और देखिए यहाँ पे जो सिविल इंजीनियर बेसिकली हैं जो कि डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ है तो उनके लिए देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी 307 है। और उसी तरीके से यहाँ पे देखिए जो यांत्रिक इंजीनियरिंग है मतलब कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पे देखिए टोटल 2 वैकेंसी है, और जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है तो उनके लिए 4 वैकेंसी है जो कि आपके जल संसाधन विभाग में है। और उसके बाद देखिए हम अगला देखते हैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, तो इसमें सिविल जो जिन्होंने मतलब कि डिग्री किया हुआ है तो उनके लिए देखिए 49 है, और डिप्लोमा वालों के लिए 84 वैकेंसी है। अब उसी तरीके से यहाँ देखिए जैसे कि यांत्रिक यानी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तो इन दोनों का कम्बिनेशन में है बेसिकली, तो यहाँ पे टोटल 14 वैकेंसी है। और बाकी देखिए जो डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ है मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में तो उनके लिए यहाँ पे देखिए टोटल 30 वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो राजस्थान राज्य कृषि विपणन जो बोर्ड है तो इसमें भी अलग है, यहाँ पे डिग्री धारक के लिए जो सिविल इंजीनियर है तो उनके लिए बेसिकली 59 है, और जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में तो उनके लिए यहाँ पे टोटल 15 वैकेंसी है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिन्होंने विद्युत यानी कि जो जिनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो वो 4 वैकेंसी है, और उसके बाद जो डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो उन्होंने उनका यहाँ पे 1 वैकेंसी है। तो कुल मिला जुला के यहाँ पे जो वैकेंसी टोटल आपका है तो वो है 298 पोस्ट है यहाँ पे टोटल, और उसमें से भी जो आपका यहाँ पे 100 जो वैकेंसी है तो वो बेसिकली ये जैसे कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए रिजर्व सीट आपका होगा ये। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देख लिया कि जैसे कौन कौन से ब्रांच यानी कि एलिजिबल है और डिग्री वालों के लिए और डिप्लोमा वालों के लिए कितना सीट्स उनके लिए है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म को फिल करना होगा। और यहाँ पे देखिए जैसे कि बहुत लोग डिप्लोमा भी किए रहते हैं और डिग्री भी किए रहते हैं तो वो लोग दोनों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं यानी कि डिप्लोमा से भी और डिग्री से भी, लेकिन उनको अलग से दोनों को फॉर्म को मतलब फिल करना होगा। और जिन्होंने सिर्फ डिग्री किया हुआ है BE BTech का डिग्री है तो वो तो मतलब कि अपना डिग्री वाला ही कर सकते हैं, लेकिन उनको फ़ायदा होगा कि जिन्होंने डिप्लोमा के साथ साथ उन्होंने BE BTech भी किया हुआ है तो वो लोग दोनों को अलग से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए जो आपका एग्ज़ाम फ़ी है बेसिकली, तो यहाँ पे देखिए सभी के लिए अलग अलग फीस है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं यानी जनरल कैटेगरी से, इसके अलावा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से जो बिलोंग करते हैं, और जो क्रीमी लेयर है बेसिकली जो कि मतलब OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग, तो उनके लिए यहाँ पे 450 रुपीज़ यानी कि 450 रुपये। और बाकी देखिए जैसे कि जो राजस्थान के जो नॉन क्रीमी लेयर है जो कि पिछड़ा वर्ग में बिलोंग करते हैं, और इसके अलावा जो अति पिछड़ा वर्ग के जो आते हैं कैंडिडेट तो उनके लिए यहाँ पे देखिए 350 रुपीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पे और भी आपका जैसे दिया हुआ है कि जो बेसिकली समस्त विशेष योगजन मतलब है और तथा राजस्थान के जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं तो उनके लिए 250 रुपीज़ है। तो
तो इस तरीके से आपने यहाँ पे जैसे कि फी आपने देख लिया। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि आपका जो बेसिकली जो वैकेंसी है तो वो भी आपका यहाँ पे आरक्षण का जो दिया गया कैटेगरी है तो उनके लिए किसके लिए कितना है तो यहाँ पे डिटेल में आपका दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए है बेसिकली, तो जो आपका नंबर ऑफ पोस्ट है तो उसमें से जो यूआर में, तो उसमें से भी जो मतलब कि जैसे कुछ महिलाओं के लिए, कुछ विधवाओं के लिए सीट रिजर्व है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसी तरीके से SC ST और OBC और MBC और EWS कैटेगरी के लिए, तो सभी के लिए यहाँ पे सीट्स आपका क्या है कि डिवाइडेड है। तो आप लोग देख लेना इसके बारे में यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ नोट आपको करना है कि जैसे कि जो मतलब बेसिकली जो राजस्थान राज्य से, जो कि अलग राज्य से जो भी ST SC कैंडिडेट होंगे या फिर जो OBC कैंडिडेट होंगे या फिर जो अति पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं या फिर जो EWS कैंडिडेट होंगे तो उनको यहाँ पे देखिए सामान्य वर्ग में माना जाएगा, मतलब कि उनको जनरल कैटेगरी की तरह उनको ट्रीट किया जाएगा। तो यानी कि अभी आपको रिजर्वेशन का फायदा अगर लेना है तो आपको राजस्थान का वहाँ का निवासी होना चाहिए और बाकी अदर स्टेट वालों के लिए उनको जनरल कैटेगरी में यानी कि फॉर्म फिल करना होगा। तो बाहर के स्टेट वाले जो भी लोग हैं तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका जैसे कि पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता क्या आपका होना चाहिए तो उसके लिए भी यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे कि देखिए जो पोस्ट आपका है बेसिकली कुछ डिग्री धारक के लिए है और कुछ जो है आपका डिप्लोमा वालों के लिए भी है। तो जैसे कि आपका सिविल इंजीनियर के लिए बेसिकली हम बात करें तो इसमें आपका जैसे कि है कि भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था से मतलब आपका सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिग्री होना चाहिए। और दूसरा इसमें है कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का आपको पास व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए और इसके साथ साथ राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो उसी तरीके से जैसे आपका डिप्लोमा धारक के लिए भी सेम वही आपका इसमें है जो आप देख सकते हैं। और उसी तरीके से जैसे कि आपका ये तो सिविल के लिए हो गया, उसी तरीके से जैसे विद्युत इंजीनियर के लिए बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए है तो उनका भी सेम मतलब वही सेम चीज़ है। चाहे आपका यहाँ पे हम विद्युत इंजीनियर की डिप्लोमा वालों के लिए बात करें, डिग्री वालों की बात करें, या फिर जो आपका इसमें जैसे कि आपका यांत्रिक वालों के लिए है मतलब जो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, तो सभी के लिए एक ही यहाँ पे योग्यता है, मतलब कि आपके पास जो भी डिप्लोमा या डिग्री है तो वो कोई एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए और साथ में आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए और राजस्थानी संस्कृति का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि हम एज की हम बात करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे आपका यहाँ पे मिनिमम एज जो है तो वो है 18 ईयर्स आपका है बेसिकली, और जो मैक्सिमम एज आपका है तो इसमें देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 ईयर्स है बेसिकली, यानी कि 40 वर्ष आपका है। और ये जो एज आपका है तो बेसिकली यहाँ पे 1 जनवरी 2021 को जो है बेसिकली आपका 18 वर्ष का आपको प्राप्त कर चुकना होगा। तो यहाँ पे मतलब कि जैसे आपको ये दे दिया गया है कि अभी आपका जैसे कि 17 ईयर्स भी आपका हो रहा होगा लेकिन आपका 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष आपका पूरा होना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत मिनिमम एज में यहाँ पे जैसे कि थोड़ा सा छूट मिला हुआ है और बाकी मैक्सिमम आपका कितना हो गया 40 ईयर्स का है। अब यहाँ पे देखिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे जो परीक्षा का शुल्क जमा करना और जो ऑनलाइन एग्जाम जो आपका फॉर्म जो फिल करना है आपको, तो उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जो आपका यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का जो डेट आपका है तो वो आपका जैसे कि आप देख सकते हैं 4/3/2020 यानी कि 4 मार्च 2020 आपका स्टार्ट होगा और ये 2/4/2020 यानी कि 2 अप्रैल तक ये आपका अवेलेबल रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे आप जैसे कि देख भी सकते हैं दिया हुआ आपका यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे परीक्षा का माह एवं दिमाग यानी कि जो आपका एग्जाम जो कंडक्ट किया जाएगा तो बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अभियंता के डिग्री एवं डिप्लोमा के परीक्षा जैसे कि अलग अलग लिया जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है तो उन दोनों के लिए अलग से परीक्षा लिया जाएगी और भी अलग अलग डेट में आपका एग्जाम होगा। तो इस तरीके से जो आपका यहाँ पे एग्जाम डेट आपका होगा तो वो आपको जैसे कि जो केंद्र जो भी मतलब कि जो केंद्र पे कराया जाएगा आपका, तो उसके लिए यहाँ पे परीक्षा की तिथि समय एवं स्थान जो होगा तो आपको वेबसाइट पे आपको ये जारी कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जैसे वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से प्रकाशित किया जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि मतलब ये है कि जैसे ये बोर्ड के द्वारा इसके पास ये अपने पास ये रिजर्व करते हैं कि ये परिवर्तन कर भी सकते हैं, तो मान के चलिए कि ये आपका एग्जाम जो है तो 3 से 4 महीने में आपका कराया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि इसमें कुछ ये भी दिया हुआ है कि कौन कौन इसके अयोग्य माने जाएंगे, इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप वो देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे कि यहाँ पे कुछ नियम दिया गया तो ये इसको अभी आप लोग देख लेना अच्छे से कि इसमें आपको जैसे कि दिया हुआ है कि किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को कि जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो
और चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिए पात्र वह नहीं माने जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है इसमें। और दूसरा इसमें आपको दिया हुआ है कि किसी ऐसी महिला आवेदक को जो जिसने उस पुरुष से विवाह किया है कि जिसके पहले जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिए पात्र वो भी माने नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग इसको भी ध्यान देना। अब यहाँ पे देखिए एक और भी आपका दिया हुआ है कि जैसे कोई भी विवाहित आयोजक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया होगा। तो देखिए यदि आपने जैसे दहेज भी लिया होगा या स्वीकार किया होगा तो आप भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये सारा चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है बेसिकली। अब यहाँ पे देखिए हम जैसे कि एग्जाम पैटर्न के यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जैसे कि दिया हुआ है कि जो कनिष्ठ अभियंता कि जो भी उक्त पदों पर जो सीधी भर्ती आपका जैसे कि होने वाला है तो इसका जो परीक्षा का जो स्कीम और जो पाठ्यक्रम जो भी मतलब होगा तो इसका जो आपको अलग से इस वेबसाइट पे जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो यहाँ से आप लोग एग्जाम पैटर्न और जो सिलेबस जो होता है तो बेसिकली आप यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। जब भी अवेलेबल होगा तो हम भी आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे जब ये अवेलेबल होगा। तो आप लोग बने रहना हमारे चैनल के साथ। तो यहाँ पे देखिए हमने वो सारा इंपॉर्टेंट चीज़ को देख लिया, जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग। तो यदि आपका और भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करना, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। और इस तरह के नोटिफिकेशन के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम टाइम टू टाइम जितने भी एग्जाम होते हैं तो उनके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं। और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं तो वो भी हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।